हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि अब बस कुछ ही घंटे बचे पेबैक के पेपर व्यू को शुरू होने में, एंड यहां पर हमें कई सारे शॉकिंग थिंग्स देखने को मिलने वाली है और हमें कई सारे टाइटल चेंजेस भी देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि मेरे एंड बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग पेबैक के पेपर व्यू में हमें किसकी किसकी जीत देखने को मिल सकती है। और आप सबको पता ही है, लास्ट मोमेंट में जो बैटिंग ऑर्ड्स रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स रहते हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है एक टैग टीम मैच डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड मर्फी के बीच। अब इनकी फ्यूड हम सब काफी पहले से देखते हुए आ रहे हैं एंड ये एक तरह का रॉ का रीमैच है। वहीं बात की जाए इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स में किसकी जीत हो सकती है, तो यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स में डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो आगे सेथ रॉलिंस एंड मर्फी से, यानी कि बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ जीत होने वाली है डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो की। वही बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन इस मैच का विनर चुनना तो डिफिकल्ट है ही, बट मैं फिर भी जाना चाहूंगा सेथ रॉलिंस एंड मर्फी के साथ, क्योंकि आप सब जानते ही है रॉ में रे मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। एंड अगर रे मिस्टीरियो को यहाँ पर रिवेंज मिल जाता है देन रॉ के मैच का ज्यादा मतलब बनेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन सेथ रॉलिंस एंड मर्फी के लिए रहने वाली है। वही बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए अपोलो क्रूज वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। अब इससे पहले अपोलो क्रूज एंड एमबीपी की फ्यूड चल रही थी, जहां पर एमबीपी तो अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, लेकिन अब चांस है बॉबी लेस्ली के पास। तो आप सबको बता दूं बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग बॉबी लेस्ली हराने वाले अपोलो क्रूज को एंड वो बन जाएंगे हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और मेरी प्रेडिक्शन भी बॉबी लेस्ली के लिए रहने वाली है कि वो बनने वाले हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, क्योंकि मुझे कहीं से लगता है कि यहाँ पर बॉबी लेस्ली पिन होने वाले। अगर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन या फिर किसी और वजह से एंड होता है देन यहाँ पर हमें अपोलो क्रूज रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। बट अगर यहाँ पर नॉर्मल रिजल्ट निकलते हुए दिखता है देन आपको बॉबी लेस्ली बनते हुए दिख सकते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो अब बात कीजिए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है रैंडी ऑर्टन वर्सेस कीथ ली के बीच। एंड यहाँ पर सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ड्रू मैकएंटायर का रिटर्न देखने को मिलेगा, बट उससे भी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जीत किसकी होने वाली, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कीथ ली को भी नहीं हरा सकती, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को भी नहीं हरा सकती। इसलिए बात की जाए बैटिंग ऑर्ड्स की, देन बैटिंग ऑर्ड्स में काफी कम अंतर से यहाँ पर कीथ ली आगे, यानी कि बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीत होने वाली कीथ ली की। वही बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मुझे भी यही लगता है यहाँ पर कीथ ली हराने वाले रैंडी ऑर्टन को, बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर वो क्लियरली हराने वाले। यहाँ पर हमें ड्रू मैकएंटायर के रिटर्न देखने को मिल सकती है, जहाँ पर वो हेल्प करने आएंगे कीथ ली की, एंड रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकएंटायर की वजह से हार सकते हैं इस मैच को। वहीं बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है सेमस वर्सेस बिगी के बीच, जो WWE ने बस कुछ ही घंटे पहले ऑफिशियल किया। एंड मजे की बात यह है इसकी बैटिंग ऑर्ड्स भी निकल कर आ चुकी है। सबसे पहले हम बैटिंग ऑर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो बैटिंग ऑर्ड्स में यहाँ पर बिगी हराने वाले सेमस को, और मेरी भी प्रेडिक्शन यहाँ से बिगी के लिए रहने वाले, क्योंकि ये देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि WWE अभी बिगी को कोई मैच हरवाने वाली है, जिस तरह उनका सोलो रन अभी हमें WWE में देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है मैट रिडल वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच। इन दोनों की फ्यूड हमें तब से देखने को मिल रही है जब से मैट रिडल ने अपना मेन रोस्टर में डेब्यू किया है, एंड फाइनली इन दोनों का मैच हमें देखने को मिलने वाला है पेबैक के पेपर व्यू में। इसलिए सबसे पहले बात की जाए बैटिंग ऑर्ड्स के बारे में, देन यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग मैट रिडल हराने वाले किंग कॉर्बिन को, और मैं भी यहाँ से अपना विनर चुनना मैट रिडल को ही चाहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैट रिडल का पेपर व्यू में ये पहला मैच है और मुझे नहीं लगता कि WWE उन्हें यहाँ पर हरवाने वाली है। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बेली एंड साशा बैंक्स वर्सेस साइना बेजलर एंड नाया जैक्स के बीच। इसलिए सबसे पहले बात की जाए बैटिंग ऑर्ड्स की, देन यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन देखने को मिलने वाला है पेबैक के पेपर व्यू में, जो कि है साइना बेजलर एंड नाया जैक्स, यानी कि बैटिंग ऑर्ड्स में यहाँ पर साइना बेजलर एंड नाया जैक्स आगे है साशा बैंक्स एंड बेली से। वहीं बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मुझे भी यही लगता है यहाँ पर हमें न्यू चैंपियंस मिलने वाले, जो कि है नाया जैक्स एंड साइना बेजलर। ऐसा इसलिए क्योंकि अब WWE धीरे धीरे कर साशा बैंक्स एंड बेली को अलग करने लगी है और वो अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप भी हमें हारते हुए दिख सकती है पेबैक के पेपर व्यू में। तो अब बात कीजिए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जिसका बैटिंग ऑर्ड्स तो निकल कर नहीं आया, बट हाँ मैं अपनी प्रेडिक्शन तो कर ही सकता हूँ। तो ये मैं देखने को मिलने वाला है पेबैक के किकऑफ शो में, दी आइकॉनिक्स वर्सेस रूबी राइट एंड लिब मॉर्गन या कहा जाए राइट स्क्वाड के बीच। तो बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मुझे लगता है यहाँ पर जीत होने वाले दी आइकॉनिक्स के, क्योंकि आप सबको पता ही है WWE काफी ज्यादा अलग थिंक करिए राइट स्क्वाड के साथ। ये दोनों अपनी टीम भी बना रही है बट एक दूसरे की वजह से मैच भी हार जाती है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट लास्ट मैच के बारे में, जो कि मेन इवेंट होने वाला है पेबैक के पेपर व्यू का, एंड मुझे पता है आप सब इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो ये हमें देखने को मिलने वाला एक नो होल्ड बार ट्रिपल थ्रेट मैच
यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए द बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट वर्सेस मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। अब मैं आप सबको ज्यादा घुमाता नहीं हूँ एंड सीधा आता हूँ बैटिंग ऑर्ड्स की तरफ। देन गाइस बैटिंग ऑर्ड्स में आ चुके हैं चेंजेस, क्योंकि कल तक बैटिंग ऑर्ड्स में यहाँ पर फिंड ब्रे वाइट फेवर थे इस मैच को जीतने में, यानी कि वो रिटेन करने वाले थे। अब बैटिंग ऑर्ड्स में आ चुके हैं चेंजेस एंड रोमन रेंस बताया जा रहे हैं इस मैच को जीतने में फेवरेट, यानी कि सबसे आगे वो इस मैच को जीतने में, उसके बाद नाम आता है फिंड ब्रे वाइट का एंड सबसे कम चांसेस है ब्रॉन स्ट्रोमन के। यानी कि बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रोमन रेंस बनने वाले हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। वही बात की जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन मुझे भी यही लगता है यहाँ पर आपको रोमन रेंस बनते हुए दिखने वाले यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि अगर रोमन रेंस यहाँ पर हारते हैं उनका जो कैरेक्टर WWE अभी बिल्ड कर रही है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। और आप सबको पता ही है रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन भी आने वाले, इसलिए देखते हैं कि क्या वो भी ब्रॉक लेसनर की तरह रोमन रेंस की नेम को अनाउंस करते हैं या फिर हमें उनका कोई और रोल देखने को मिलता है। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आप पेबैक के पेपरव्यू में किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है एंड आपकी प्रेडिक्शन क्या कुछ है वो भी जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।